नमस्कार, दी डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम आपको महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देने जा रहे हैं। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। राशन कार्ड एक सरकारी दस्तावेज है जिसके जरिए सरकारी वितरण प्रणाली के तहत उचित दर की दुकानों से गेहूं, चावल आदि आप बाजार मूल्य से कम दाम पर खरीदा जा सकता है। लेकिन खाद्यान्न वितरण को लेकर आए दिन शिकायतें आ रही हैं। अक्सर देखा जा रहा है कि राशन डीलर कार्ड धारकों को उनके कोटे का अनाज देने से आनाकानी करते हैं। अगर आपको भी इस तरह की किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। NFSA के वेबसाइट पर शिकायत भी कर सकते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल पर हर राज्यों के लिए अलग अलग टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। आप चाहें तो इनकी वेबसाइट nfsa.gov.in पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर मेल के जरिए और फोन नंबर के जरिए शिकायतें दर्ज की जाती हैं। बता दें कि हर राज्य में राशन कार्ड बनवाने का तरीका भी अलग-अलग होता है। सरकार भ्रष्टाचार को कम करने और खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के लिए शिकायत हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि सब्सिडी वाले राशन गरीबों तक पहुंच सके। केंद्र सरकार गरीब लोगों के लिए अनाज की जमाखोरी में शामिल राशन डीलरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यदि कोई राशन कार्ड धारक आपका भोजन कोटा प्राप्त नहीं कर रहा है तो वह टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। अब हम आपको हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश 1800425-2977, अरुणाचल प्रदेश 0360224-2990, असम 1800345-3611, बिहार 1800345-6194, छत्तीसगढ़ 1800233-6663, गोवा 1800233-0022, गुजरात 1800233-5500, हरियाणा 1800180-2087, हिमाचल प्रदेश 1800180-8026, झारखंड 1800345-6598, 1800212-5512, कर्नाटक 1800425-9339, केरल 1800425-1550, मध्य प्रदेश 181, महाराष्ट्र 1800224950, मणिपुर 1800345-3821, मेघालय 1800345-3670, मिजोरम 1860222-7789, 1800345-3891, नागालैंड 1800345-3704, 1800345-3705, ओडिशा 1800345-6724 और 6760, पंजाब 1800306-1313, राजस्थान 1800180-6127, सिक्किम 1800345-3236, तमिलनाडु 1800425-5901, तेलंगाना 1800425-0033, त्रिपुरा 1800345-3665, उत्तर प्रदेश 1800180-0150, उत्तराखंड 1800180-2000, 1800180-2000, 1800180-4188, पश्चिम बंगाल 1800345-5505, दिल्ली 1800110-841, जम्मू 1800180-7106, कश्मीर 1800180-7011, अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह 1800343-3197, चंडीगढ़ 1800180-2068,
दादरा और नागर हवेली और दमन और द्वीप 1800233404, लक्षद्वीप 1800424253186, पांडिचेरी 1800425 1082 पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विषय की तरफ। भारत में व्हाट्सएप जैसे चैटिंग ऐप के करोड़ों यूजर्स हैं। हाल के दिनों में व्हाट्सएप अपनी डेटा प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भी दुनिया भर के यूजर के निशाने पर आया था। ऐसे में यदि आप भी इस पॉपुलर मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो इस ऐप के कुछ सामान्य सेटिंग को ध्यान में रखकर आप अपने डेटा व अकाउंट को सेफ व सुरक्षित रख सकते हैं। आज आपको 5 बेसिक व्हाट्सएप टिप बता रहे हैं जिनके जरिए आपका व्हाट्सएप अकाउंट सेफ रहेगा। व्हाट्सएप यूजर को कई बार इस बात की चिंता होती है कि कोई खास व्यक्ति उसके किसी स्टेटस को ना देख ले। इस चक्कर में कई बार चाहकर भी यूजर स्टेटस नहीं लगाते हैं, लेकिन सेटिंग में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से कॉन्टैक्ट आपके व्हाट्सएप स्टेटस को देख सकते हैं। इसके लिए आपको स्टेटस प्राइवेसी फीचर की ऐप में सेटिंग सेक्शन में जाकर आप तय कर सकते हैं कि आप अपना स्टेटस किसे दिखाना चाहते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अबाउट सेक्शन के तरह 3 ऑप्शन हैं। यूजर या तो इसे सभी को दिखाने के लिए चुन सकते हैं, इसे पूरी तरह से छिपा सकते हैं, या इसे केवल माई कॉन्टैक्ट तक लिमिट कर सकते हैं। व्हाट्सएप यूजर के पास मैसेज प्राप्त करने या अपनी प्रोफाइल जानकारी तक पहुंचने से रोकने के लिए किसी खास कॉन्टैक्ट या फोन नंबर को ब्लॉक करने का ऑप्शन मिलता है। यह ऑप्शन दोनों सेटिंग्स ऑप्शन के साथ साथ इंडिविजुअल चैट पर उपलब्ध है। आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप किसी अनचाहे व्यक्ति के मैसेज आदि को देखने से बच सकते हैं। बता दें कि प्राइवेसी सेटिंग यूजर को तो चुनने का ऑप्शन देती है उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में कौन ऐड कर सकता है। ऐप के 3 ऑप्शन दिए गए हैं जो या तो किसी को ग्रुप में ऐड करने के लिए आउट करते हैं या सेव्ड कॉन्टैक्ट लिस्ट और पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए आउट करते हैं। बढ़ते हैं अगले विषय की तरफ। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में मीडिया हाउस को पेमेंट करने के कानून के बाद अब भारत में भी इसकी मांग उठने लगी है। आइए जानते हैं भारत में फेसबुक और गूगल को कंटेंट के लिए क्यों भुगतान करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में पिछले हफ्ते बड़ी टेक फर्मों को अपने द्वारा उत्पादित न्यूज कंटेंट के लिए मीडिया हाउस को भुगतान करने के लिए अनिवार्य करने का कानून बनाकर एक बड़ी मिसाल कायम की। भारतीय प्रशंसकों ने गूगल और फेसबुक को भारतीय प्रशंसकों को सामग्री के लिए भुगतान करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष एल अदमीलम ने पिछले हफ्ते गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर संजय गुप्ता को लिखा कि वह भारतीय अखबारों को उनके कंटेंट का उपयोग करने के लिए मुआवजा दे और अपने विज्ञापन को ठीक से शेयर करे। INS ने गूगल को विज्ञापन राजस्व के प्रकाशन हिस्से को 85% तक बढ़ाने और टेक जॉइंट द्वारा प्रशंसकों को प्रदान की जाने वाली रेवेन्यू रिपोर्ट में अधिक ट्रांसपेरेंसी लाने की मांग की। NIS डिजिटल मीडिया समिति के अध्यक्ष जयंत मैथ्यू ने विकास की पुष्टि करते हुए ABP न्यूज को बताया कि हमने गूगल को अपने कंटेंट के लिए भुगतान करने के लिए लिखा है और अब उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर के आधार पर हम इसी तरह के कानून बनाने के लिए CCI और सरकार से संपर्क करेंगे। उन्होंने कहा, मुझे बताया गया है कि सरकार इसे बहुत गंभीरता से देख रही है। लगभग 80% डिजिटल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू टेक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और पब्लिशर को कम से कम राशि मिलती है। मुझे लगता है कि गूगल इसे देखेगा और पब्लिशर को भुगतान करना शुरू कर देगा। मैथ्यू ने कहा, समाचार एक कमोडिटी नहीं है और इसमें पैसा खर्च होता है। बिना समाचार के गूगल काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ B2B लिस्टिंग साइट होगी। विश्वसनीय सामग्री के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और आप जानते हैं कि गलत सूचना फैलने का क्या होता है। म्यूजिकल इंडस्ट्री को जब गूगल भुगतान कर रहा है, फिर हमें क्यों नहीं। वित्तीय वर्ष 2020 में भारत में डिजिटल विज्ञापनों से होने वाली कमाई 19,900 करोड़ रुपए आंकी गई थी, जबकि भारत का कुल विज्ञापन राजस्व 70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया।
जिससे ये विज्ञापन खर्च के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन गया। इन विज्ञापनों में से अधिकांश राजस्व तकनीक बड़ी कंपनियों गूगल और फेसबुक के पास चला गया। इसके साथ ही भारतीय प्रशंसकों को इस वायरस महामारी के दौरान विज्ञापन राजस्व पर भारी प्रभाव पड़ना पड़ा। इसमें से कईयों को बंद करना पड़ा। रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार गूगल का भारत का राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015 में 35% बढ़कर 5,593.8 करोड़ रुपए हो गया, जो मुख्य रूप से विज्ञापनों द्वारा संचालित है। गूगल एडवर्ड्स के बावजूद कंपनी को सबसे बड़ी कैश काउ है। पिछले साल गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक ने राजस्व में 13% की वृद्धि के साथ $181 बिलियन की कमाई की, जबकि फेसबुक ने राजस्व में 20% की वृद्धि को $86 बिलियन की कमाई की, जो मुख्य रूप से विज्ञापन राजस्व द्वारा थी। अनुमान के मुताबिक ऑनलाइन विज्ञापन पर खर्च किए गए प्रत्येक $100 के लिए $53 गूगल पर जाता है और $28 फेसबुक पर जाता है, जबकि शेष $19 को शेष के बीच साझा किया जाता है। भारत में टेक जॉइंट के खिलाफ विद्रोह के मामले बढ़ रहे हैं। टेक जॉइंट्स को न केवल विश्व स्तर पर बल्कि भारत में भी अविश्वास के मामलों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। एंड्रॉयड स्मार्टफोन में वॉइस कॉल रिकॉर्ड करना आसान है। कई स्मार्टफोन में तो इनबिल्ट कॉल रिकॉर्ड का फीचर दिया जाता है, जबकि एंड्रॉयड स्मार्टफोन में ये फीचर नहीं होता है। वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बिना इजाजत किसी की कॉल रिकॉर्ड करना कहीं ना कहीं चोरी करने जैसा ही है। अगर आप किसी के पर्सनल बातें कर रहे हैं और कोई आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा है तो ये आपके लिए गंभीर समस्या बन सकती है। इसलिए कॉलिंग करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये पता लग सके कि कुछ तो गड़बड़ है। कॉलिंग के दौरान अगर आपको कुछ सेकेंड्स या मिनट्स पर बीप की आवाज सुनाई दे तो सचेत हो जाए, क्योंकि ये सबसे सिंपल और आसान तरीका कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में जानने का है। कॉल की शुरुआत में, मिड में या बीच बीच में बीप की आवाज मिले तो मुमकिन है सामने वाला आपकी बातें रिकॉर्ड कर रहा है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। अगर आपने किसी को कॉल किया और अगले शख्स ने स्पीकर पर डाल दिया है, ऐसे में भी आपको सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि स्पीकर पर रखकर कॉल रिकॉर्ड करना सबसे आसान है। इसके लिए किसी दूसरे फोन या रिकॉर्डर को पास में रखकर आपकी आसानी से रिकॉर्ड आवाज रिकॉर्ड की जा सकती है। इसलिए जिस पर भरोसा ना हो, आप उसको स्पीकर पर बात कर रहा हो तो सचेत हो जाए। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर कॉलिंग के दौरान नॉइस आ रही है तो इस स्थिति में भी सचेत हो सकते हैं। कई बार आपको बीच बीच में नॉइस सुनने को मिलेगा, इस बार ये भी कॉल रिकॉर्डिंग का अंदाजा लगाया जा सकता है। जरूरी ये है कि आप कॉलिंग के दौरान छोटी छोटी चीजों पर गौर करें। आखिरी बात, कई ऐप्स बिना बीप साउंड के भी कॉल रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए आपके पास शायद ये समझने का ऑप्शन ही ना हो कि कोई कॉल रिकॉर्ड कर रहा है। क्योंकि भारत में इसे लेकर कोई पुख्ता कानून भी नहीं है, इसलिए इस तरह के रिकॉर्डिंग ऐप पर बैन लगाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। इनकम टैक्स बचाने के लिए अलग अलग ऑप्शन की तलाश होती है, लेकिन ज्यादातर लोग सेफ और अच्छे रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट की तलाश में रहते हैं। इसलिए सबसे अच्छा या सेफ ऑप्शन फिक्स डिपॉजिट है। टैक्स सेविंग के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट ली जा सकती है। 5 साल वाले फिक्स डिपॉजिट को टैक्स सेविंग FD कहते हैं। इसमें 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म निवेश किया जाता है। देश के सभी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स टैक्स सेविंग FD की सुविधा देते हैं। इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को टैक्स सेविंग FD में निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। FD कम से कम 5 साल के लिए किया जाता है। मैच्योरिटी से पहले विड्रॉल और FD पर लोन की सुविधा इस कैटेगरी में नहीं मिलती। 5 साल के लिए किए गए निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। पोस्ट ऑफिस FD को एक से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है। FD सिंगल या ज्वाइंट होल्डिंग के लिए किया जाता है। ज्वाइंट होल्डिंग्स में है कि टैक्स छूट का फायदा सिर्फ फर्स्ट होल्डर को मिलेगा।
5 साल की एफडी पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री नहीं है और इसे निवेशक की आमदनी में जोड़ना टीडीएस काटा जाता है। डिपॉजिट पर ब्याज मासिक तिमाही आधार पर मिलता है। 5 साल के एफडी का लॉक इन पीरियड भी 5 साल के लिए रहता है। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80C आयकर अधिनियम 1961 का हिस्सा है। इसमें अन्य निवेश का जिक्र किया गया है जिसमें निवेश कर कोई भी निवेश टैक्स से छूट क्लेम कर सकता है। अगर आप भी मौजूदा वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले छूट का फायदा लेना चाहते हैं तो इसमें आने वाले इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। आपको ये समझना है कि गोदी पत्रकार का टाइम वाकई गोल्डन टाइम है। जिस सूचना को प्रधानमंत्री ने खुद साझा किया है उससे तो न्यूज रूम में बैठा कोई भी खबर बना लेगा और चला देगा। इस सूचना संग्रह में ना तो मेहनत लगी और ना कोई जोखिम। बहुत से पत्रकार सिर्फ यही कर सैलरी ले रहे हैं बल्कि अब उन्हें इस बात की सैलरी दी जाती रही है। आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर देखेंगे तो एक भी खबर ऐसी नहीं मिलेगी जिससे लगेगा कि ये पत्रकारिता का काम है। अगर पुराने टाइम की तरह इनसे इतना पूछ लिया जाए कि उनके पास खबर क्या है और जो है उसमें खबर क्या है तो सबके सब दांत चियार दे। लेकिन मोदी नाम जपो और फ्री की सैलरी लो। जो खबर खोज कर लाता है उल्टी वही ग्लानि से भरा जीवन जी रहा है। अब आते हैं प्रधानमंत्री की तस्वीर पर जिसमें वो टीका ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में नहीं लिखा कि टीका देने वाली नर्स कहाँ की है। जाहिर है उनके कार्यालय के मीडिया अधिकारी या एम्स के से ये डिटेल लिया गया होगा। वैसे कल जिस तरह से पूरा मीडिया ये बताने में लग गया कि एक नर्स केरल की है, एक पांडिचेरी की है और गमछा असम का है, उससे तो यही लगता है कि ये जानकारी बांटी गई है। अब आप सोचिए कि केरल और पांडिचेरी की नर्स का होना केवल संयोग होगा? बिल्कुल नहीं। इस बात की स्क्रीनिंग हुई होगी कि केरल और पांडिचेरी की नर्स कौन है जहां चुनाव हो रहे हैं। क्या ऐसा करना अच्छा है? प्रधानमंत्री के लिए नर्स का इस आधार पर चयन करना क्या गलत नहीं है? उनके लिए नर्स का चुनाव इस आधार पर होना चाहिए कि श्रेष्ठ कौन है, जिससे लगे कि प्रधानमंत्री जाति, धर्म, भाषा और इलाके के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन गोदी पत्रकार कूद कूद कर बताए जा रहे थे कि नर्स कहाँ कहाँ की है। तारीफ करने के चक्कर में जनता को बता रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री की सोच का दायरा केवल चुनावी और सीमित है। गोदी पत्रकार हर वक्त प्रधानमंत्री को चालाक चतुर इंसान के रूप में क्यों पेश करते हैं? फिर ये भी चाहते हैं कि बिना सुरक्षा एम्स तक की यात्रा की वाहवाही हो। क्या वह यात्रा भी इसी तरह के प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं रही होगी? वही दिन के दूसरे हिस्से में देश के दूसरे ताकतवर मंत्री अमित शाह टीका लगाने मेदांता जाते हैं। क्यों? क्या उन्हें केरल और पांडिचेरी की नर्स पर भरोसा नहीं था? क्या उन्हें किसी और सरकारी अस्पताल में नहीं जाना चाहिए था? केवल टीका ही तो था? सवाल तो ये होना चाहिए कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या तमाम मुख्यमंत्रियों ने कल रामदेव की दवा क्यों नहीं ली? रामदेव की दवा का लॉन्च कराने दो दो कैबिनेट मंत्री गए थे, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। जो दवा मंत्री जनता के लिए लॉन्च करा रहे हैं वो खुद क्यों नहीं ले सक रहे हैं? नितिन गडकरी और हर्षवर्धन को कहना चाहिए था कि वह टीका नहीं लेंगे, रामदेव की बूटी लेंगे। कल पूरे दिन ये सवाल गायब रहा कि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मुख्यमंत्रियों ने रामदेव की बूटी को नकार दिया और टीके पर भरोसा किया। तो क्या रामदेव की बूटी उन लोगों के लिए है जिन्हें बहकाया जा सकता है कि बाबा ने बनाया है तो अजमा लेते हैं? इसमें खराबी क्या है? इस धंधे में पैसा कौन कमा रहा है? इसके विश्वास से छल कमा रहा है। अगर बूटी में दम है तो फिर सबको वही दवा लेनी चाहिए। क्यों टीके पर हजारों करोड़ खर्च किए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री ने अपने लिए टीके का चुनाव कर बता दिया कि जिसे बूटी बेचना है बेचे, वो तो नहीं लेंगे। लेकिन क्या ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि खुद टीका ले और रामदेव की बूटी बेचने दे? बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। पृथ्वी पर बोझ बनकर कोई ना जिए। मानव जीवन अनमोल है पर ये बोझ भी हो सकता है बुढ़ापा, असाध्य बीमारी वगैरह की वजह से। जब हिसाब लगा
कर लगे कि जीवन बोझ बनने जा जीना है तो छुटकारे का उपाय सोचना चाहिए। जैन समाज संथारा जापान के लोग हारा किरी को अपनाते हैं। स्विट्जरलैंड में $5,000 खर्च करने पर एक छोटा सा इंजेक्शन दिया जा देकर बिना किसी एहसास के जीवन लीला समाप्त कर दी जाती है। किसी भी देश के नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध है। हालांकि इससे पहले एक खास प्रक्रिया से गुजरकर मेडिकल बोर्ड की मंजूरी ली जाती है। मेरे एक जानने वाले अमेरिकन ने पिछले महीने ही इस सुविधा का लाभ उठाया है। 77 साल के थे पर अल्जाइमर के शिकार हो रहे थे। सोचने समझने की क्षमता विलुप्त होने से पहले ही परिवार की सहमति से फैसला ले लिए, छुटकारा मिल गया। ऑस्ट्रेलिया वगैरह कई देशों में आत्महत्या कानूनी है। मेक्सिको में इसके लिए इंजेक्शन बनता है। अंगीठी में कार्बन मोनोऑक्साइड से तो अनजाने ही कितनी मौतें हो जाती हैं, मरने वालों को पता भी नहीं चलता। वह मीठी नींद के आगोश में सदा के लिए सो जाता है। हाँ, ये सब चरम अवस्थाओं में ही जायज है। जिम्मेदारियों से भागने, क्षणिक अवसाद, आपसी कलह वगैरह के लिए नहीं। भारत सरकार को इसे कानून जामा पहनाना चाहिए। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को नासिक की एक 12 वर्षीय बच्ची के कस्टडी को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा कि नानी का अपनी नातिन के प्रति विशेष लाड़ दुलार होता है, लेकिन वह दुलार उसके माता पिता की जगह नहीं ले सकता है। इसी के साथ कोर्ट ने बच्ची की कस्टडी उसके माता पिता को दे दी। नासिक के एक दंपति ने इस साल की शुरुआत में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। दंपति ने अपने बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी। उन्होंने अदालत में बताया कि बच्ची की मां की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने पूरी तरह बेड रेस्ट की सलाह दी थी, इसलिए 2019 में वह अपनी बच्ची को लेकर कुछ समय के लिए अपनी माँ के घर नासिक आ गई थी। इस दौरान बच्ची की पढ़ाई न छूटे, इसलिए उसका दाखिला नासिक के ही एक स्कूल में करवा दिया गया। वर्ष 2020-21 के शैक्षणिक सत्र तक महिला की तबीयत ठीक हो गई तो उसे पुणे अपने घर लौटने की तैयारी कर ली, लेकिन वैश्विक महामारी के चलते उन्हें नासिक में ही रुकना पड़ा। मई 2020 में महिला पुणे लौट आई और बच्ची को पुणे के एक स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। बच्ची नासिक में रहते हुए ऑनलाइन कक्षाएं ले रही थी। दंपति कुछ समय बाद अपनी बच्ची को पुणे वापस लाने के लिए नासिक पहुंचे तो उसकी नानी ने बच्ची को भेजने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, नानी ने बच्ची को अपने पास रखने के लिए पुलिस और बाल कल्याण समिति का इस्तेमाल किया। नानी पुलिस और बाल कल्याण समिति को बताया कि बच्ची के माता पिता के बीच वैवाहिक संबंध सामान्य नहीं है, जो 12 वर्षीय मासूम पर बुरा असर डाल रहे हैं और ये बच्ची के लिए ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में बच्ची का नानी के पास रहना ही ठीक रहेगा। इसके बाद दंपत्ति ने बच्ची की कस्टडी पाने के लिए अदालत का रुख किया। अपनी लाडली का वापस लाने के लिए दंपत्ति ने दी ये दलील न्यायमूर्ति SS सिंधे का मनीष पितले की अध्यक्षता वाली बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने दंपत्ति की दलील को स्वीकारते हुए बच्ची की कस्टडी उसके माता पिता को सौंप दी। दंपत्ति ने बच्ची को अपने साथ ले जाने के लिए अदालत में दलील दी थी कि बच्ची के पिता एक मल्टीनेशनल कंपनी के वरिष्ठ पद पर हैं, जबकि नानी शिक्षित नहीं है और ना ही उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। ऐसी स्थिति में बच्ची के शारीरिक, नैतिक और बौद्धिक विकास, अच्छी परवरिश और अच्छे भविष्य के लिए उसे माता पिता के साथ रहने की जरूरत है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। आजकल भले ही मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग का जमाना है, लेकिन अक्सर बैंक के चक्कर भी ही जाते हैं। इसलिए ये पता रखना बेहद जरूरी है कि बैंक किन दिनों बंद रहेंगे। मार्च महीने में सरकारी और प्राइवेट बैंक 11 दिन बंद रहेंगे। इसके अलावा बैंक यूनियनों ने 2 दिन की हड़ताल का भी ऐलान किया है। अगर आपको भी बैंक के जरूरी काम निपटाने हैं तो देख लीजिए कि किस दिन बैंक बंद रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट बैंकों की महीने के दूसरे और चौथे शनिवार भी छुट्टी होती है। इस लिहाज से मार्च में बैंक 5 रविवार और 2 शनिवार बंद रहेंगे। वहीं होली और महाशिवरात्रि के त्योहार के कारण भी बैंक बंद रहेंगे।
हालांकि कुछ त्योहारों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम होते हैं। अब उनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 5 मार्च चपचर कुंड मिजोरम, 7 मार्च रविवार, 11 मार्च महाशिवरात्रि, 13 मार्च शनिवार, 14 मार्च रविवार, 21 मार्च रविवार, 22 मार्च बिहार दिवस, 27 मार्च शनिवार, 28 मार्च रविवार, 29 मार्च धुलेटी होली, 30 मार्च होली। इन दिनों बैंक बेशक बंद रहेंगे, लेकिन मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग चालू रहेंगे। इसके अलावा बैंक यूनियनों ने पब्लिक सेक्टर बैंक के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ 2 दिन की हड़ताल भी की घोषणा कर दी है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 15 और 16 मार्च को हड़ताल का ऐलान किया है। सभार, भड़ास फॉर मीडिया, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद, दी डॉन एक्सप्रेस।